बता। ये तय है? वेटिंग फॉर कल को ब्लॉक नहीं था, वेटिंग फॉर कल को ब्लॉक। हेलो हाय, हेलो, तुम्हाला एक हाय, एक लाईक दिसतंय मला, पण तू तीन लाईक ती तीन दिसत दिसतंय मला, तीन तीन लोक घुसलेत। तू दिसत नाही मला। हां ओके ओके ओके। हाय 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 हाय, काय कमेंट कर बरं। जो कमेंट्स नहीं दिख रहे एक्चुअली लाइव चैट। टॉप चैट्स एक्चुअली मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। दिखता है का कमेंट तुला? हाँ तो ठीक है, मैं दूसरा मोबाइल लेके बैठा हूँ साथ में। ठीक है, चिल पिल। वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ इशू के कारण, पता नहीं क्या इशू है, क्या लफड़ा क्या है, लफड़ा क्या है। चलो जो कोई ना। सो हाय 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 हाय, लव फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे मैं बहुत ही टाइम से चाह रहा था कि मैं लाइव जाऊँ, पर जा नहीं पा रहा था। एग्ज़ाम्स चालू थे एक्चुअली, मैं बड़ा MBA कर रहा हूँ, सो एग्ज़ाम्स चालू थे, बहुत से लाइव नहीं जा रहा पा रहा था। सो बहुत टाइम बाद मैं आज लाइव आया हूँ, और कम आई थिंक 3-4 महीने बाद। हाँ 3-4 महीने बाद, उससे ज़्यादा भी शायद। सो आज लाइव आ रहा हूँ, सो देखते हैं क्या बोलते हैं। सबको हाय, सबको हाय ब्रो, हाय 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 हाय। सबका नाम लूंगा भाई, टेंशन मत लो। और मेरा मतलब अभी मैं घर पे आया हूँ, 15 दिन पहले मेरा गोल्डन प्ले बटन आया था। सो आज वो घर पे मैंने कल मैंने वो अनबॉक्स किया, और बहुत खुशी मिली। बहुत थैंक यू यार बहुत सपोर्ट करने के लिए, और हर वक्त सपोर्ट देने के लिए मुझे, और ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए। और थैंक यू यार, ये क्या लफड़ा है पर। तो मराठी? हाँ भाई मैं मराठी हूँ। थोड़े से मार कमेंट वमेंट पढ़ते हैं, तुम बताते हैं घर पे आज क्या सीन चालू है। घर पे बहुत थोड़ा सा अच्छा खुशी खुशी का माहौल चालू है, और तुम दिखाते हैं कि आज मैंने बिरयानी बना रहा हूँ घर पे स्पेशली। और जो तुमको तुमको दिखाना चाहते हो एक चीज़ देखो। अरे यार सही लग रहा है, ये हमारे घर का फोटो है, ये भाई है, पापा मम्मी मैं देख बैठा हूँ। और चलो थोड़े से कमेंट वमेंट्स पढ़ते हैं। बिग फैन ब्रो, थैंक यू मिस्टर आतो, हाय हाय महाय हाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई 100 रुपये भेजूंगा, मिर्ची खा लो बोलते हैं। ओके ओके ठीक है ठीक है, बस इतना ही काम बच गया मेरे को अभी। 100 रुपये खा लो, मिर्ची खा लो। ईट ईट मैगी विथ मिल्क, क्यों भाई क्यों प्रांजल भाई क्यों। रिद्धिमा चौधरी, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम चंद्रपुर एक्चुअली। ये मारा फोन आ गया था एक्चुअली, फोन आ गया था। सो आई एम फ्रॉम चंद्रपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से हूँ मैं। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू भाई बहुत सारा प्यार। लव फ्रॉम कानपुर, लो गोल्डन रिबन का रखो भाई।
हाँ भाई लग को रखता हूँ, लगता हूँ लोगों को गोल्डन गोल्डन प्ले बटन का ही रखता हूँ, प्रॉपर फोटोशूट करूँगा गोल्डन प्ले के साथ, बाद में रखूँगा। लव फ्रॉम आसाम थैंक यू, लव फ्रॉम राजस्थान थैंक यू। जैसे मैंने अभी तक देखा है कि मुझसे मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा मतलब लोग मुझको जानते हैं, सो मेरे को देखा है जब तक मुझको से इंस्टाग्राम पे मेरे को ये आते हैं, DMs आते हैं, सबसे ज़्यादा देखा मैंने कि मुंबई से एक रहता है, कोलकाता से रहते हैं और नागपुर से रहते हैं सबसे ज़्यादा पब्लिक, तो वहाँ से वो बहुत प्यार मिलता है लोगों का, मतलब मोस्टली DMs आते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह। तो DM मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो kalpak@711 या मेरे फूड पेज और एक chatore_bhai तुम वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लव फ्रॉम हैदराबाद थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। और शो योर किचन भाई, किचन को इतनी अच्छी हालत में है नहीं फिलहाल, किचन के दिखाने का दिखाने में हालत में है नहीं, क्योंकि किचन मेरा कोई एक नहीं है, मैं समझ घर पे रहता हूँ तो किचन मेरा घर वाला रहता है, और मैं समझ बाहर रहता हूँ मतलब मैं पुणे में रहता हूँ मोस्टली, पुणे में पढ़ रहा हूँ, सो वहाँ पे किचन रहता है। तो लव फ्रॉम चंद्रपुर भाई, और मुझे सजेस्ट करो कि मैं अभी सोच रहा हूँ मैं बड़े वीडियोस भी थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली बढ़ा लूँ, अपने बड़े वीडियोस डालना भी, तो मुझे सजेस्ट करो किस चीज़ पे मैं डाल सकता हूँ बड़े वीडियो और कौन कौन से बना सकता हूँ, तो मुझे वो सजेस्ट करो, और छोटे वीडियोस भी बताओ कि और तुमको किस मतलब जैसे एक चाइनीज़ हो गया, एक फूड का आइटम, या कॉन्टिनेंटल हो गया, या इंडियन डिशेस हो गए, तो बताओ कौन से चीज़ें मैं बना सकता हूँ, मतलब अभी कौन सी चीज़ें मैं जाऊँ, जैसे मैं महाराष्ट्रियन फूड बना सकता हूँ वैसे कुछ बताओ, और वैसे कुछ चीज़ें बताओ जो मैं अभी ट्राई कर सकता हूँ अगले मेरे वीडियोस में, या इंस्टाग्राम पे भी बना सकता हूँ, कि इंस्टाग्राम में भी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ अभी आगे जो बढ़ूँ इंस्टाग्राम पे में भी है, मतलब रोज़ जाना तो पॉसिबल नहीं इंस्टाग्राम में भी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि 2 दिन में एक बार तो डालूँ। लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश थैंक यू भाई। ऐसा अर्निंग तो इतना रिवील नहीं कर सकते तो, पर अर्निंग ऐसा रिवील तो नहीं कर सकता हूँ, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि बहुत कुछ कर लूँ, मैं ठीक ठाक है, चल जाता है महीना। सो और स्ट्रीट फूड पे वीडियो बनाओ भाई, हाँ वो तो मैं बनाता ही हूँ स्ट्रीट फूड्स पे वीडियो, बहुत सारे हैं तुम जाके चेकआउट करो, जोलो चिप की डालगोना कैंडी ओ नहीं, पर मैं डोलो चिप्स का तो है मेरा बड़ा वीडियो में है, पर मैं ट्राई करूँगा छोटे वीडियो में डोलो चिप्स का बनाऊँ कुछ तो भी। और हैदराबाद का बिरयानी का मेरा स्पेशल ही वीडियो है, और वो बिरयानी बहुत से लगती है, तो जाके वो वाला देखो बिरयानी का वीडियो। कम्युनिटी पोस्ट क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट क्वेश्चन हाँ, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मेरी एज क्या है, गर्लफ्रेंड का क्या था, और क्या था, और ये रहते कहाँ पे हो, सो मैं रहता हूँ चंद्रपुर में, और एक बात चंद्रपुर में महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर, उसके वो डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मतलब छोटी सिटी है पर अच्छी है प्यारी है, और बाकी और क्या था, गर्लफ्रेंड नहीं वो कई वैसे कुछ चीज़ें पालते नहीं हम फिलहाल, फोकस ऑन योर करियर। अब एक बार एक्चुअली और मेरे को क्वेश्चन भी था कि लाइफ में क्या करना चाहते हो। सो अभी फिलहाल तो प्लानिंग तो सब कुछ फिक्स प्लानिंग तो है, मतलब अभी मैं MBA कर रहा हूँ, साथ में जॉब करूँ MBA के बाद, और साथ में अपना यूट्यूब साइड पर से चालू रहने दूँ, और जिस टाइम मेरे को लगा कि यूट्यूब से मेरे को इनफ इनकम आ रही है, कि मेरे को जॉब्स की इनकम से मैच हो रही है, मेरा अच्छा खासा चल जा रहा था, उस वक्त मैं शायद जॉब ड्रॉप कर दूँ, ऐसा कुछ मेरी प्लानिंग्स है, पर देखते हैं आगे क्या है। हाँ, और मेरी एज है मेरी 24, और मेरा बर्थडे आता है 7 नवंबर। सम नॉर्थ इंडियन डिशेज, नॉर्थ इंडियन डिशेज में बटर चिकन, मेरे को यही मालूम है नॉर्थ इंडियन डिशेज में, तो कुछ मेरे को इतना आइडिया नहीं है नॉर्थ इंडियन डिशेज के बारे में, पर ठीक है। ऐसा YouTube के तुम बहुत सारे पूछ रहे हो कि अर्निंग क्या है, पर मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट में इतनी अर्निंग नहीं होती है,
लॉन्ग में जितनी अर्निंग होती है, लॉन्ग वीडियोस में जब चलता है ना, तब लॉन्ग वीडियोस में अर्निंग बहुत होती है, मतलब अच्छी खासी हो जाती है। पर शॉर्ट्स में कहाँ ना कहाँ पे ओके ओके चल जाता है, मतलब ठीक ठाक। और जिम आप से मेरे भाई के जैसे दिखते हो, आई एम फ्रॉम असम, थैंक यू। और बढ़िया, एक नंबर भाऊ, मस्त, एक नंबर। नहीं भाई, हम ऐसे कुछ चीज़ें पालती नहीं, अभी बोला कि चीज़ें भी ऐसी कुछ चीज़ें पालती नहीं फालतू के। नहीं, मेरे पास कार नहीं, मेरे पापा के पास कार है, मेरे पास कार है। आप तुमको मेरे बहन से, मेरे मतलब मेरी भांजी से मिला, तो ये इकड़े, ये मेरी भांजी है, हाय बोल दे। हेलो। ये और तुमको दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन में, बहुत ये करता है, मोस्टली वीडियोस बनाता है बिहाइंड द सीन में सब। मेरा छोटा भाई है, वो तो चले गया, बिहाइंड द सीन में वही वीडियो बनाता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है सब मेरे वीडियोस बनाने में। लव फ्रॉम गोवा, थैंक यू भाई। फैमिली एक नंबर है, मस्त, कोई विषय नहीं, एक नंबर फैमिली, सब घर पर सब सही। हाय सर, थैंक यू नेहा, हाय सर। ओपी तीन साल हो गए चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ये कितना टाइम कैसे कर लिया भाई? सो ऐसा है ना कि चैनल ग्रो, हाँ, खाने का नसीब भी होता है चैनल ग्रो करने का, पर कैसा होता है कि कुछ तो भी नया ट्राई करते रहो, मतलब तुम्हारा चैनल जो भी हो, और कुछ फेक बनने का ट्राई मत करो चैनल में। सबसे बड़ा मोटिव कि सबसे फेक मत बनो, जैसा है वैसा रहो, रियल जिंदगी में वैसे हो, अपने चैनल में भी वैसे रहो, और कुछ अलग मत करने का ट्राई करो, जैसे हो वैसे रहो। और क्या बोलते हैं कि कुछ तो भी नया नया ट्राई करने का कोशिश करो, मतलब अब तुम साल भर से एक ही कंटेंट डाल रहे हो तो वो मत करो, मतलब कुछ तो भी अलग ट्राई करो, कुछ तो भी नया ट्राई करो, या महीने महीने बाद कुछ अलग ट्राई कर लो, कुछ अलग चीज़। अभी समझ, तुम फूड वीडियो बना रहे हो, रेसिपी वीडियो बना रहे हो, तो कोई चैलेंज वीडियो करके देखो खुद के साथ, या कोई ब्लॉग बना के देखो बाहर जाके। तो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मालूम लोगों को क्या पसंद आ जाए। सो दैट्स वाई कि करते रहो ट्राई, आना मत मानो, मैंने हो ही जाएगा, जो होगा वो सही होगा, ठीक है। और कमेंट दे रहे थे, बहुत बड़ा फैन हो रहा है। मुझे मिलना है पुणे में, क्या मिलने तो अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि मैं अभी अपना कोई ये रखूं कि लोग मुझे मिलने आए। सो पर पुणे में इंदिरा कॉलेज के पास आओ, इंदिरा मतलब वाकड़ के पास आओ, मैं वहाँ पे तुमको मिल जाऊँगा, कहाँ पे भी शायद नसीब रहा तो। वाकड़ पुणे, वाकड़ के पास मैं रहता हूँ, सो नसीब रहा तो वहाँ मिल जाऊँगा मैं, वहाँ पे रहता हूँ, इंदिरा कॉलेज रहता है वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे रहता हूँ। हाँ, मी मराठी आहे, मराठी मराठी मराठी। मैंने भाई बहुत बार बताया, मैं चंद्रपुर से। हाँ, और मेरी फेवरेट डिश बिरयानी, ऑफ कोर्स, मतलब जू का प्राण, मतलब दिल है भाई बिरयानी, मतलब दिल दिल। एक्चुअली आज भी घर में बिरयानी बन रही है, तो मैंने सब मैनेजन करके रखा हूँ, और 10-15 मिनट पहले आ गया लाइव के लिए, सो ताकि मैं
लाइव कर पाऊँ और बाद में बिरयानी बना पाऊँ। फेवरेट एक्टर एक्टर मतलब वैसे कुछ फेवरेट एक्टर नहीं है, बट मुझे एक एक्टर पसंद है, वो साउथ का है, अल्लू अर्जुन, शायद तुमको मालूम हो, तो मुझे वो पसंद है, उसका डांस पसंद है, उसका स्टाइल पसंद है, तो बोल सकते हैं अल्लू अर्जुन वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। इकड़े इकड़े ना, हाय मन, क्या नाम तुझे? रावी। ये भी मेरी भांजी है, छोटी है, ये बड़ी, ये बड़ी। सो दिन भर मेरे को परेशान करते हैं बहुत, घर पे आए हुए हैं। ये एक्चुअली नागपुर से है, भाई। कहाँ जाना रावी? बिरयानी के बाद क्या आपका फेवरेट है? बिरयानी के बाद, बिरयानी के बाद यार सोचना पड़ रहा है। हाँ, तुम्हें थोड़ा चाइनीज बिरयानी थोड़ा पसंद है, नूडल्स पसंद थोड़े से, सो वो पसंद है। थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉलेज, थैंक यू भाई। भाई मेरे को भी थोड़ी तेलुगु आती है, मैंने 11th 12th मेरा हैदराबाद से हुआ। ठीक है, ये नमस्कार 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 ऑडियंस, थैंक यू भाई, लव फ्रॉम पुणे, थैंक यू। माय वाइटी स्टोरी भाई, मेरी मैंने स्टोरी डाली है शायद, नहीं नहीं डाली है, पता नहीं, नहीं डाली नहीं है शायद, तो कभी ना कभी ज़रूर उस पर भी वीडियो आएगा बिल्कुल। आई एम फ्रॉम सतारा। हाँ भाई, वॉइस चेंज नहीं करता हूँ, बस थोड़ा सा वॉइस फास्ट कर लेता हूँ, तो ऐसा वॉइस चेंज होता है। बताएंगे बिल्कुल, बताए यूट्यूब जर्नी का आपका एक पूरा वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लो उसका, तो उसमें अपन यूट्यूब जर्नी बताएंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि लाइफ में ज़्यादा जब जाऊँ जा नहीं पाऊँगा, मैं जाऊँगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, सो शायद उस टाइम पे नहीं हो पाए। मेरा फेवरेट यूट्यूबर ऐसा कोई, मेरा ऐसा कोई पसंद नहीं है कि मेरे को ऐसा फेवरेट यूट्यूबर कोई है मतलब, बट मेरे को वेजी पाजी पसंद थे पहले, वेजी पाजी सर पसंद थे पहले, मतलब पहले ने अभी भी पसंद है, तो बस थोड़ा बहुत उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुए थे। थैंक यू लक्ष्य फॉर 48 rupees। हेलो हेलो, हाँ भाई मैं चंद्रपुर से हूँ, चंद्रपुर से हूँ। और बाकी बताओ और क्या चल रहा है जिंदगी में? मेरे को तुम मेरे को बोला था कि तुम कुछ शेयर करो कि जो मैं अपने अगले वीडियोस में बनाऊँ, तो कुछ बताओ मैं अगले वीडियोस में क्या बना सकता हूँ, और तो मेरे को डी सजेस्ट करो यार। थैंक यू, बहन नहीं है मेरी भांजी है, बहन बहुत क्यूट है उनकी। मैंने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था, मैंने कोविड के अपने स्टार्टिंग ईयर में, तो कोविड जब चालू हुआ था तब स्टार्टिंग में चालू किया था, सो मेरे को हुए है डेढ़ साल थोड़ा सा ऊपर, डेढ़ साल के आसपास, मतलब 2 साल के आसपास समझो। फैन मीटअप, भाई फैन मीटअप मेरे को लगता नहीं कि इतने लोग आ जाएंगे फैन मीटअप करने के, मेरे को लगता
बहुत आगे बढ़ना है और करेंगे, फैन मीटअप भी करेंगे बिल्कुल। मेरा नाम अभी मत, नाम मत पूछो यार, अभी नाम भी फेवरेट कलर विलर इतना कुछ नहीं, फेवरेट कलर वगैरह। हाँ चीप पर से एक्सपेंसिव तो मैंने एक बार किया था, पर वापस करेंगे बिल्कुल करेंगे चीप पर से एक्सपेंसिव। मेरे साइड में कौन है? साइड में कोई नहीं भाई। गुड इवनिंग, आपका फेवरेट एक्टर? बोला अल्लू अर्जुन बोल सकते हैं, मेरा फेवरेट एक्टर है। 10 में से पूछ रहा हूँ आंसर तो दो। मेरा पूरा नाम है कल्पक संजय आधे। शादी का प्लान अभी से क्यों शादी का प्लान करूँ भाई, टाइम है शादी के प्लान को अभी तो फिलहाल। हेलो ब्रो, आप पिज़्ज़ा पराठा की वीडियो कब लाओगे? पिज़्ज़ा पराठा बना सकते, ये कुछ मेरे मैंने कल पोस्ट डाले थे तो मेरे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने बहुत से क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दिया था ऑलमोस्ट। गर्लफ्रेंड 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 नहीं भाई, गर्लफ्रेंड रिफ्रेंड नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है हर चीज़ों में। यूट्यूब इनकम तो शायद रिवील तो नहीं कर सकते। उधर खाली उधर उधर खाली वो दिखड़े हाँ स्टाइलिंग थी बिरयानी। आपके फैमिली मेंबर कौन है? मम्मी पापा, मैं, मेरी दादी रहती है हम साथ में। और फेवरेट यूट्यूबर? तो फेवरेट यूट्यूबर तो कोई नहीं ऐसा फिलहाल तो, पर वेजी पाजी पे वीडियोस मैंने बहुत देखता था पहले, अभी थोड़ा कम हो गया वापस। और एक है उनका नाम, और एक है यूट्यूबर उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को एक्चुअली, मैं देखता हूँ तो मेरे को नाम भूल गया सॉरी। अच्छे लगते हैं मेरे को उसके वीडियोस। गेमिंग ब्लॉगर शॉर्ट थैंक यू फॉर 20 रुपीज। मेरी भांजी छोटी बच्ची मेरी भांजी थी भाई। मैं आपको 100 रुपया दूंगा, पहले बताओ कि आपका नाम क्या है भाई। बर मस्त करा लास फटाफट मारो कमेंट बॉक्स में। चलो और बताओ क्या चालू है? और मराठी में, मराठी में हमको बहुत कमेंट आया मराठी बात करो। सो मराठी में मुझे काय बोला होता काय बस। आईफोन कब लोगे? लेंगे भाई जल्दी लेंगे जल्दी लेंगे। थैंक यू, मैं राजस्थान से हूँ। आप बढ़िया, आपके स्टूडेंट चंद्रपुर वाले देखते। मैं MBA में हूँ फिलहाल, MBA फर्स्ट ईयर में ख़त्म होता है, अभी सेकेंड ईयर में गया हूँ जस्ट। मुस्कान मेरा नाम भूल दीजिए प्लीज़, भूल दिया।
चलो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी अलग लाइव में। अभी लाइव में फ्रिक्वेंटली आते रहूँगा, तो टेंशन लीजिए मत। आज जा रहा हूँ सो थोड़ा सा काम, थोड़ा एकदम जल्दी में लाइव में आते रहूँगा। 15 दिन में या 1 महीने में एक बार तो लाइव कैसे भी आऊँगा। और मुझे तुम और कम्युनिटी पोस्ट भी डालते रहूँगा कि मुझे अगली वीडियो तुम सजेस्ट करते रहना कि कौन सी वीडियोज़ आएंगी कौन सी वीडियोज़ नहीं आएंगी, तो आपको मैं पहले ही आइडिया देते रहूँगा। तो मुझे वहाँ पे कमेंट कर बता भी सकते हो। मैं तो कम्युनिटी पोस्ट ऐसे वीडियो के नीचे कमेंट्स तो बहुत कम करता हूँ, पर कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट्स मैं पढ़ लेता हूँ। सो वहाँ पे तुम कमेंट कर सकते हो कि अगली डिश में क्या क्या आएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, तो मिलते हैं नेक्स्ट तक अगले लाइव में। बाय, चलो।